शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मृत महिला के फर्जी हस्ताक्षर कर मकान पर कब्जा करने वाले साहिल सैयद और साथी नीलिमा जायसवाल तिवारी तथा गिरीश गिरधर के खिलाफ पाचपौली थाना में मामला दर्ज किया गया है। रविशंकर सहारे वैशाली नगर के MIG क्वार्टर में रहते हैं। उनके पड़ोस में वसुधा रुबदे रहती थी। वसुधा का कोई वारिस नहीं था। सहारे ने वसुधा से क्वार्टर खरीदा था। मिली जानकारी के अनुसार वारिस नहीं होने से सहारे ने वसुधा के क्वार्टर की कीमत उसके महिला रिश्तेदार को दी थी। यह रिश्तेदार सुरेंद्र नगर के उस मकान में रहती थी जिसके एक हिस्से पर साहिल और नीलिमा ने कब्जा किया हुआ है। सुरेंद्र नगर का मकान खाली करवाने के लिए साहिल और नीलिमा ने गिरीश गिरधर की मदद से क्वार्टर पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने वसुधा के मृत्यु के बाद फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर क्वार्टर पर कब्जा किया। क्वार्टर पर कब्जे के बाद आरोपी वसुधा के महिला रिश्तेदार को सुरेंद्र नगर का मकान खाली करने के लिए धमकाने लगे। उसे मकान खाली करने पर क्वार्टर का कब्जा देने का झांसा दिया। वसुधा के रिश्तेदार ने सुरेंद्र नगर का मकान खाली कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने MIG क्वार्टर खाली करने से मना कर दिया। इसी बीच वसुधा से मकान खरीदने वाले सहारे ने भी आरोपियों से मकान का कब्जा देने को कहा। उनके इनकार करने पर पाचपौली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि आरोपियों ने पाचपौली पुलिस को पहले से ही भरोसे में ले लिया था, इस वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई दिनों तक पाचपौली थाने के चक्कर काटने पर भी मामला दर्ज नहीं होने से पीड़ित शांत बैठ गए। इसी बीच एलेक्सिस हॉस्पिटल की प्रकरण की जांच पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच को सौंपी। फिर क्राइम ब्रांच ने साहिल और उसके साथियों की सच्चाई पता करने में जुट गए। सहारे की शिकायत पर पाचपौली पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। एलेक्सिस हॉस्पिटल जे नागपूर मधला आहे तिथला जो गुन्हा आहे मानकापूरचा क्राइम ब्रांचकडे हा हँडओव्हर झाल्यानंतर त्यामध्ये कशा कशा प्रकारची कॉन्स्पिरसी होत होती याबद्दल तपास क्राइम ब्रांच करत आहे आणि बऱ्याच ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत होत्या की ते ताब्यात घेऊन ज्या मिळाल्या ऑडिओ क्लिप त्याचं ॲनालिसिस करून लक्षात आलं की हा साहिल सद्दी सय्यद अनेक वेगवेगळी नावं पण त्याने वापरलेली त्या डॉक्युमेंट्सवर, कधी समीर अमीन, कधी सय्यद कुरेशी, तर असा हा आरोपी आहे। याच्यावर काल रात्री पाचपावली पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। एका वृद्ध महिलेचा घर आहे, ते घर त्यानं जबरदस्तीनं ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे। स्वतः त्याची जी पत्नी आहे सो कॉल्ड, तिच्याबरोबर तो राहत होता, नीलिमा जयस्वाल नावाची, तिच्यावर हा गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे। मी आपल्या माध्यमातून आव्हान करत आहे की आमच्याकडे जे तपासामध्ये जे समोर जे येत आहे की या व्यक्तीनं अनेकांना फसवलेला असू शकतं, अनेकांची घरं ताब्यात घेऊ असू शकतात किंवा एखादं क्रिमिनल ॲक्ट अनेकावर केली असेल, तर बिंदास्तपणे विनाभीता आपण आमच्याशी संपर्क साधावा, आपण याच्यावर योग्य ती कारवाई नक्की करू। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपूर।